महीने कार्य को सजन छाया करके सगुण से thank you.
बावरिया तो भूल सुना भगवन सुना सुना यमुना घाट के सुनि भीरे सब कावरिया नींद नहीं मोहे सुखदेव मुनि राजा परीक्षित ने सुनायो है सुखी राम चंद्र हरि गुण कथा तो सुन सोई गाना सुनो यशोदा मात गुजरी जेल रही। तो इस प्रकार से गोविंद की माखन चोरी लीला बहुत सुंदर है। प्रभु नित्य ही माखन चोरी करने के लिए जाते हैं। आप देखिए कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने चोरी क्यों करी, चोरी करना भी बड़ा अच्छा काम है। इसमें दो बातें हैं, एक तो यह है कि भगवान जानते हैं हमारे ब्रज का जो मुख्य व्यवसाय है वो गौ पालन है, गौ पालन है। लेकिन हमारे यहाँ किसी के घर में थोड़ा भी मांगना होता है तो घर में नहीं खाते, बेचारे भय से मथुरा दरबार पहुंचाते हैं। क्योंकि कंस ने ऐसा कह रखा था कि जितना भी मांगना हो मटकियों में भरकर दरबार पहुंचाओ, तो वहां पहुंचाते। अब मैं इतनी मना करूंगा कि तुम माखन मथुरा भेजना बंद करो तो ये मानेंगे नहीं, एक तो कंस का भय है और दूसरा गांव का कोई कितनी भी बात कहे बढ़िया बात भी तुम गांव को बताओ तेरे कत्तू मन शादी तो रहते हो। तुलसीदास जी महाराज 15 साल काशी वेद पढ़ आया शेष सनातन जी के पास में, शेष सनातन जी के पास में 15 साल वेद पढ़ गांव आया और सामने कोई गली में गोस्वामी जी जावा तो एक दूसरे मित्र पूछो करे ओ कौन जावे है, तो दूसरो बोलो वो तो आत्मा राम तुलसी है, आत्मा राम तुलसी। तुलसीदास जी माथो पट्टी को 15 साल वेद पीड़ा गांव में तुलसी हुई है। प्रभा भी एक बात कह दी कि किसी कब उन्हें जाइए जन्मभूमि के गांव गुण अवगुण जाने नहीं धरे पांच लो नाम अंग तो तुलसी ही नहीं। तो गोविंद ने सोचा मैं मना करूंगा तो कोई मानेंगे नहीं, एक काम करता हूँ चोरी करता हूँ मुझे नहीं करना है, ये गांव के सब लोग मेरे सखा जो बिता दुबले पतले डेढ़ डेढ़ हड्डी पे हो रहे हैं इन्हीं को खिलाना है मन सुखा धन सुखा। तो प्रभु ने चोरी प्रारंभ करी ताकि मथुरा माखन जाना बंद हो जाए। आज भी इस कथा को लोग गोपियों ने ये सब छोड़ा घर बार गोविंद के पास ये शरण गई क्यों, तो महाराज इस तरह जाना और मुरली सुन करके रास में सम्मिलित हो जाना ये बात तो नियम विरुद्ध है बोले, पर गोविंद भी गल में बाह डाल कर रास रचा रहे तो क्या ये धर्म संस्थापक का काम है। गोविंद तो खुद कहते हैं कदम छह कदम धर्म से सुना करता भरता विरक्षिता प्रदीप माचरत धर्म है पर्दारा विमर्शन, फिर ये पर्दारा विमर्शन क्यों हो रहा है।